वो क्या प्रकरण था जब आपको अस्पताल जाना पड़ा और स्ट्रेचर पे आप इसी प्रांगण में मंगल आरती के लिए आए? 40 साल से अनवरत कोई मंगल आरती कैसे कर सकता है? आखिर ये भक्ति होती क्या है? भक्ति जो है, जो शुरू होती है वो नाम से शुरू होती है, कि आप नाम लीजिए। तो एक आम आदमी भक्ति शुरू कैसे करे? भक्ति की नींव जो है वो भगवत गीता में भगवान ने जो बताया कि जीवात्मा शरीर से अलग है। जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है। भगवान कृष्ण को कैसे पाया जाए? कृष्ण का नाम जो है इतना शक्तिशाली है कि आपकी श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन ये आपको पवित्र करता है। कृष्ण को लेकर इतने सारे संप्रदाय हैं, तो एक तो ये मूल संप्रदाय कौन कौन से हैं और क्यों कृष्ण के इतने संप्रदाय हैं? चार वैष्णव संप्रदाय हैं जी। तो इनमें चाहे अलग अलग सिद्धांत हों, लेकिन एक सिद्धांत वो निश्चित है कि हम उनके नित्य दास हैं। कौन कौन से चमत्कार हुए हैं आपके जीवन में जिसको चमत्कार कहा जाए? एक चमत्कार मैं आपको बता रहा हूँ जी, कि नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बैठे हुए हैं। ये दिल्ली का बहुत ही मशहूर मंदिर है, लेकिन यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण को कैसे पाया जाए? आपने हमारे पीछे कुछ हफ्तों में ऐसे साक्षात्कार देखे हैं जो हमने ब्रिज के कई विरक्त संतों कथावाचकों के साथ किए हैं। उसमें भी ये सवाल बड़ा प्रमुख तौर पे आया था कि भगवान कृष्ण को कैसे पाया जाए। एक मार्ग जो सभी को पता है वो है भक्ति का। आखिर ये भक्ति होती क्या है? वैसे भक्ति को अगर आप संधि विच्छेद करके समझें तो उसका मतलब सेवा करना या भजना कहा जाता है। आज हमारे साथ इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ आचार्य हैं और एक तरह से उनको इस्कॉन में सबसे वरिष्ठ आचार्य के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता के अलावा सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। उन तक पहुंचने की हमारी जो ये यात्रा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो स्ट्रेचर पे इसी मंदिर में सुबह मंगल आरती करने आ रहे थे। मुझे उस वीडियो ने बहुत प्रभावित किया और जब मैंने पता करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि श्रीमान जीत मित्र स्वामी जी पिछले 40 साल से इस मंदिर में बिना किसी अवरोध के हर दिन सुबह 4 बजे की मंगल आरती करते हैं। 40 साल से बिना किसी अवरोध के। आप समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा, कृष्ण के प्रति उनका समर्पण कितना बड़ा होगा। वो भक्ति के मार्ग पर पिछले 40 साल से पहले से चलना शुरू हो गए थे, लेकिन इस्कॉन में जुड़ने के बाद से उनकी जो यात्रा रही है वो बहुत ही अद्भुत रही है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले बता दूं कि उनके पैर में अभी भी ऑपरेशन के बाद, नी सर्जरी के बाद, उनका पैर अभी भी सीधी अवस्था में रहता है और आज भी वो हर दिन सुबह इसी अवस्था में सुबह मंगल आरती के लिए जाते हैं। प्रभु जी, आपका सर्वप्रथम तो स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये 40 साल से अनवरत कोई मंगल आरती कैसे कर सकता है? देखिए, पहली बात है कि ब्राह्मण का गुण है, स्वाभाविक गुण है, उससे कहा नहीं जाता, बल्कि उसके स्वभाव में ये प्रवृत्ति होती है। समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जव मे विचा ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वाभाविक कर्म है, उसमें सम का मतलब है मन का समन, दम का मतलब इंद्रियों का दमन, और समो दमस्तपः और तपस्या, तो ये तपस्या का मतलब है कि भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में हम कुछ असुविधा स्वीकार करते हैं तो वो तपस्या कहलाती है। तो इस तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो तपस्या एक स्वाभाविक गुण ब्राह्मण का होता है। तो एक कारण तो ये था कि तपस्या। दूसरा, हमारे जो फाउंडर आचार्य, इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद थे, तो उनकी वाणी में अक्सर ये बातें आती हैं कि हमें बहुत सवेरे उठ करके भगवान का पूजन करना चाहिए। और यहाँ जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, ठीक 4:30 बजे मंगल आरती होती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो सवेरे की साधना
जो सवेरे का जो कार्यक्रम है ये आवश्यक है। सवेरे के कार्यक्रम में अगर हम आते हैं तो हम सत्वगुण में आते हैं, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठते हैं और शरीर से ऊपर उठते हैं। तो दूसरा कारण ये था कि प्रभुपाद की वाणी में कई बार ये बातें आई। और तीसरा कारण ये था कि मंदिर के जो अधिकारी हैं और दूसरे जो भक्त हैं तो वो भी मेरे इस कार्यक्रम से, मेरे इस आदत से प्रसन्न हुए और चूँकि उनकी प्रसन्नता से मुझे प्रोत्साहन मिला। तो तीन कारण हैं जिनसे मैं जो है इस नियम का पालन कर रहा हूँ। कभी भी 40 वर्षों में कोई बाधा नहीं आई? देखिए, बाधाएं तो आती हैं, लेकिन यह है कि अपनी अगर इच्छा होती है तो भगवान इसमें सहायक बनते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं उठ नहीं पाया तो मेरे दरवाजे के बाहर कुत्ता भौंका। उस समय मुझे लगा कि कुत्ता भौंका, ठीक है, कुत्ता आया होगा। लेकिन जब मैं उठा बाहर, फिर मुझे याद आया कि यहाँ तो सब जो है पूरी बाउंड्री बनी है, कुत्ता तो आ ही नहीं सकता, कुत्ता कैसे आया। तो इस प्रकार से भगवान ने कई ऐसे संकेत किए जिनके द्वारा मुझे जो है मंगल आरती में उठने की जो है शक्ति प्राप्त हुई। तो वो क्या प्रकरण था जब आपको अस्पताल जाना पड़ा और स्ट्रेचर पे आप इसी प्रांगण में मंगल आरती के लिए आए? देखिए, मेरा जो घुटने का जो ऑपरेशन था वो बहुत पहले होना था जी, लेकिन मैंने नहीं कराया क्योंकि मुझे ऐसा डॉक्टर चाहिए था जो कि मुझे मंगल आरती में जाने की अनुमति दे। तो 10 साल के बाद 2015 में मेरा बाएं घुटने का ऑपरेशन हुआ और एक डॉक्टर गौरव भरद्वाज वो हमें मिले, जिन्होंने कहा कि हाँ, आप, हम आपका जो है ऑपरेशन करेंगे और अगले दिन की मंगल आरती में आपको अस्पताल से भेजा जाएगा। अस्पताल की नर्स हैं और कर्मचारी हैं वो भी सब आएंगे, डॉक्टर भी जो है अपनी टीम लेके आएंगे और सुरक्षा करेंगे। इस प्रकार से अस्पताल का भी वातावरण बड़ा शुद्ध हुआ और वो जो डॉक्टर हैं वो बड़े प्रसन्न हुए इस बात से कि मरीज में इतना साहस है कि वो मंगल आरती में आने का अपना नियम नहीं तोड़ना चाहता है। तो इस तरह से हमें कुछ प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। ये मंगल आरती होती क्या है? देखिए, मंगल आरती का जो कार्यक्रम है, मंदिर इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं पूरी दुनिया में 4:30 बजे मंगल आरती होती है। तो मंगल आरती में क्या है कि 4:30 बजे संघ बजता है और भगवान का दर्शन होता है और पुजारी भगवान की पूजा करता है। तो ये तो पुजारी ही है का काम है जो भगवान की पूजा करे, बाकी जितने भक्त हैं वो इसमें एक प्रार्थना गाते हैं जिसे कहते हैं गुरुवष्टकम प्रार्थना जी। गुरुवष्टकम प्रार्थना जिसमें 8 श्लोक होते हैं और प्रत्येक श्लोक के अंत में वंदे गुरु श्री चरणारविंदम ये आता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लिखा हुआ है और इसका 9वां श्लोक जो हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन उसमें ये महात्म्य बताया गया है कि श्रीमद् गुरु प्रष्टक में ततुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात सेवे व लभ्य जुन सोनते। इसका मतलब यह है कि ये जो श्री गुरु अष्टकम है, कोई व्यक्ति अगर श्रीमद् गुरु अष्टक में उच्चैर ऊँचे स्वर में कोई अगर गाए और ब्राह्म मुहूर्त में गाए, तो ब्राह्म मुहूर्त का मतलब है 4:10 से 4:58 के बीच में 48 का समय होता है, ये ब्राह्म मुहूर्त का समय है। तो इसी में ही प्रभुपाद ने 4:30 बजे का नियम बनाया मंगल आरती का, तो उस समय गाई जाती है। तो ब्राह्म मुहूर्ते पठति प्रार्थना, जो व्यक्ति ऊंचे स्वर में ब्राह्म मुहूर्त में श्री गुरुवष्टकम प्रार्थना का पाठ करता है, प्रयत्नात् प्रयत्न पूर्वक पाठ करता है, यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात, तो वो जो है वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त करेगा शरीर छूटने के बाद। तो ये चूँकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बड़े आचार्य और बहुत महान भक्त हैं, तो भगवान उनकी बात पर इतने बंधे हैं कि अपने भक्त के वचन को वे जो है कभी भी नष्ट नहीं करते। अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान जो है सब कुछ करते हैं। तो केवल इतने से ही अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए जीवन के अंत में तो बहुत सस्ता है। आपने कहा ब्राह्मण का एक मूल स्वभाव होता है, अब आप तो वैश्य कुल में जन्मे, तो आपका पूर्वाश्रम क्या था? देखिए, अभी कलयुग में वो वर्ण व्यवस्था रहती नहीं है जी। वर्ण व्यवस्था वास्तव में पहले जो होती थी, तो बच्चे को जब 5 साल का होता था तो उसके वर्ण की परीक्षा ली जाती थी कि ये शूद्र वर्ण का है
या वैश्य वर्ण का है या क्षत्रिय वर्ण का है या ब्राह्मण वर्ण का है। ऐसा नहीं है कि किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा है तो कोई ब्राह्मण ही होगा या वैश्य परिवार में तो वैश्य ही होगा। तो बच्चे की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ देखी जाती थी, अगर वो कुदाल फावड़ा उठाता है तो शूद्र माना जाता था, और अगर वो बही खाते उठाता है तो वैश्य माना जाएगा, अगर हथियार उठाता है तो क्षत्रिय, और अगर पुस्तक उठाता है श्रीमद् भागवत तो वो ब्राह्मण माना जाता है। तो ये मेरे बचपन से इस प्रकार के लक्षण रहे कि पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत रुचि रखता था, और जो है जब मेरे भाई जाते थे स्कूल तो मैं रोता था कि मुझे भी स्कूल जाना है। तो ये जो बातें हैं ये मुझे महसूस होता है कि मैं इस प्रकार से ब्राह्मण वर्ण से हूँ। अब आपने IIT से पढ़ाई की, और उससे ज़्यादा रोचक ये है कि IIT MTech की पढ़ाई आपने बीच में छोड़ दी, क्यों? इसका कारण यही था कि IIT की पढ़ाई में अब मुझे जो है बाधा होने लगी। मैं IIT में जब भर्ती हुआ था, MTech प्रोग्राम चालू किया था केवल इसीलिए कि कुछ और समय बिता दूं, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी ब्राह्मण की जो प्रवृत्ति थी, ब्राह्मण का जो स्वभाव था, तो वो मेरे अंदर कुछ ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जिसमें कि कुछ मैं आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको समझूँ और समझाऊँ, कुछ ऐसे वातावरण रहूँ, लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि MTech प्रोग्राम करते हुए IIT में रह करके कुछ समय और बिता दूँ और मुझे कोई दिशा प्राप्त हो। तो वहाँ पर जो है प्रभुपाद की 3 ग्रंथ मुझे जो मिले, तो उनको जब मैंने पढ़ा तो मुझे फिर पता चला उसके बाद कि एक इस्कॉन संस्था है जहाँ की कोई व्यक्ति आ सकता है और पूरा जीवन उसमें कृष्ण की भक्ति में लग सकता है। किस सन की बात है ये? ये सन 78 की बात है, जब मैं IIT कानपुर में था, MTech प्रोग्राम कर रहा था। तो ये आध्यात्मिक रुचि पहले जगी, कब जगी आध्यात्मिक रुचि? क्या घर का माहौल था? देखिए घर का माहौल भी ऐसा था जी कि हमारे जो पिताजी थे तो वे राम कथा के बहुत विख्यात विद्वान थे। अच्छा। हाँ, और हमारे घर में भी कथा होती थी, कभी कीर्तन होता था, हमारी माताजी भी कीर्तन में भाग लेती थी, और महोबा जो हमारा जन्म स्थान है वहाँ पर साधुओं की जमातें आती रहती थी जी। तो उसमें साधुओं के प्रवचन होते थे, तो मैं पिताजी के साथ जाता था प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन हमारे पिताजी इस बात से बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि मैं मतलब पूरा जीवन भक्त बन जाऊं जी। वो चाहते थे कि भक्ति भी करो और साथ साथ जो है पैसा भी कमाओ, नौकरी करो। और मैं पढ़ाई में इतनी जो सफलता प्राप्त की, हमारे परिवार में किसी ने नहीं इतनी सफलता प्राप्त की। तो हमारे पिताजी चाहते थे कि मैं नौकरी करूं और अच्छा जो है पैसा कमाऊं। तो इस तरह से मुझे जो है सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन जब प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने से जब मुझे पता चला कि एक संस्था ऐसी है जहाँ की कोई व्यक्ति पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में लगा सकता है, तो फिर वो मुझे एक दिशा प्राप्त हुई। तो आपने MTech की पढ़ाई छोड़ दी? जी, MTech की पढ़ाई मैंने छोड़ दी, क्योंकि उस समय फिर मेरा मन लगता नहीं था, मेरा मन लगता नहीं, और बार बार ऐसा लगता था कि मुझे कुछ दूसरी दिशा में जाना है, और ये जो पढ़ाई है, जो MTech की पढ़ाई है, ये सब जो है एक प्रकार से समय को नष्ट करना है, क्योंकि इसमें अगले जीवन के बारे में कुछ नहीं है जाना जाता, न पिछले जीवन के बारे में कुछ जाना जाता, तो ये पढ़ाई जो है एक प्रकार से लोगों को पशु बना रही है। तो पशु जो है ना पिछले जीवन को समझता है ना अगले जीवन को। आज की जो शिक्षा है, आज का जो विज्ञान है, वो यही है कि ना अगला जीवन है ना पिछला जीवन है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ करके हमें और ज़्यादा ये विश्वास हो गया। प्रभुपाद ने भी निंदा की कि आज की जो शिक्षा है ये लोगों को पशु बना रही है। तो फिर इस तरह से मेरी जो रुचि है वो उस शिक्षा में चली। तो ये विरक्ति थी, पलायन तो नहीं था? हाँ, इसको विरक्ति ही कहेंगे जी। क्योंकि हमें क्या है कि सही दिशा चाहिए जिसमें कि हम लोगों को भी दिशा दिखा सकें और मुझे भी दिशा प्राप्त हो सके। अब आते हैं भक्ति पे, और बहुत समय से मेरे मन में ऐसे विचार आते रहे हैं कि आखिर ये भक्ति होती क्या है, क्योंकि कई बार हम प्रार्थना को भक्ति समझते हैं, पूजा को भक्ति समझते हैं, आराधना को भक्ति समझते हैं, उपासना को भक्ति समझते हैं, मंत्रोच्चार को भक्ति समझते हैं, नाम जप को भक्ति समझते हैं, ये भक्ति क्या चीज़ है? देखिए प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में
नवधा भक्ति का वर्णन किया है। भक्ति की नौ विधियाँ हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो नौ प्रकार की भक्तियाँ हैं। तो कोई व्यक्ति इन नौ प्रकार की भक्तियों में से नौ की नौ भक्ति भी कर सकता है या किसी एक भक्ति में लग सकता है, लेकिन मुख्य सिद्धांत यह है कि वो हमेशा लगा रहे, चाहे किसी एक भक्ति में लगे, चाहे दो प्रकार की भक्तियों में लगे, और चाहे नौ की नौ भक्तियों में लगा रहे। जैसे परीक्षित महाराज हैं तो केवल श्रवण में लगे रहे, तो वो पूरा उन्होंने जो है समय श्रवण भक्ति में लगाया, उनको पूर्णता प्राप्त हुई। सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन में, जो श्रीमद्भागवत सुना रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि एक किसी एक भक्ति में लग जाए, जैसे उदाहरण है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, स्मरण भक्ति प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, स्मरण में ही केवल लगे रहे। स्मरणम, पाद सेवनम, और चरणों की सेवा, लक्ष्मी जी हैं तो भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। स्मरणम, पाद सेवन, अर्चनम, और अर्चना की जो है विधि, तो पृथु महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो यज्ञों के द्वारा भगवान की अर्चना करते रहे, इसमें उनको पूर्णता प्राप्त हुई। अर्चनम, वंदनम, और वंदना भक्ति अक्रूर जी हैं, तो वंदना भक्ति के उदाहरण, केवल वंदना भक्ति, तीव्र वंदना कर रहे थे कि मैं कंस का भेजा हुआ जा रहा हूँ, जितने अघासुर बकासुर जैसे असुर हैं उसी प्रकार मैं भी, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करना। तो वंदना भक्ति अक्रूर जी की है। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, दास्यम जो भक्ति है, इसके उदाहरण हनुमान जी हैं, केवल दासता में उनकी जो है पूरी रुचि थी। दास्यम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, सख्यम का मतलब है मित्रता। तो मित्रता में जो है अर्जुन के मतलब है उदाहरण कि पूरे मतलब अर्जुन कृष्ण के प्रति उनकी मित्रता का भाव है। सख्यम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, और आत्मनिवेदन है आत्मसमर्पण। ये बलि महाराज का उदाहरण है कि जब भगवान ने उनको जो है तीन पग पृथ्वी मांगी तो उन्होंने जो है सर्वस्व समर्पण कर दिया, तीसरा पग के लिए उनके पास पृथ्वी नहीं थी तो अपना जीवन दे दिया तीसरे पग में। तो ऐसे जो है भक्ति, कोई व्यक्ति एक प्रकार की भक्ति हमेशा में लगा रहे या दो प्रकार की भक्ति, तो मुख्य बात यह है कि आप पूरे समय में आप लगे रहिए, मुख्य बात। अब जैसे हम ब्रज जाते हैं, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, अब वहाँ हम पाते हैं विरक्त संत नाम जप करता रहता है, कुछ लोग राधा रानी का नाम जप करते रहते हैं, तो ये भाव कहाँ है नवधा भक्ति में? देखिए, जहाँ तक श्रवणम कीर्तनम की बात है तो कीर्तन में नाम कीर्तन भी होता है और भगवान के रूप का भी कीर्तन होता है, भगवान के गुणों का कीर्तन होता है, भगवान की लीलाओं का कीर्तन होता है। तो कीर्तन प्रारंभ होता है नाम से। जी जी, कोई व्यक्ति नाम जी कि कोई व्यक्ति नाम का कीर्तन करे, लेकिन नाम से जब शुद्ध होता है कोई व्यक्ति तो भगवान के रूप का फिर आस्वादन कर सकता है। तो रूप के कीर्तन का फिर जो है उसमें आता है, रूप के कीर्तन से जब शुद्ध होता है तो भगवान के गुणों का आस्वादन कर सकता है, तो गुणों का कीर्तन आता है, और गुणों के कीर्तन से और जब शुद्धिकरण होता है तो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर पाता है, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करता है। अब अमूमन जो भगवान कृष्ण के उपासक हैं उनमें दो तरह की जिज्ञासाएं दिखती, एक तो उनका दर्शन हो जाए और दूसरा निकुंज मिल जाए, अभी क्या भाव है? देखिए, ये अपना अपना स्तर है कि कौन व्यक्ति कौन से स्तर में है, लेकिन हमारे जो रूप गोस्वामी महान आचार्य हुए हैं तो उन्होंने बताया कि भक्ति के नौ स्तर होते हैं। सबसे पहला जो स्तर होता है आदो श्रद्धा, भक्ति का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो श्रद्धा की है, कि आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं तो वो मेरे कल्याण के लिए हैं और मुझे इनको जानना चाहिए, तो ये श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा से आगे जब कोई व्यक्ति बढ़ता है, दूसरा कदम सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी में आता है तो साधु संग होता है। तो साधु संग का मतलब है कि वो सुनता है और प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, तो साधु संग का जो है ये दूसरा ये स्टेप है, सीढ़ी है साधु संग। फिर भजन क्रिया, फिर तीसरा जो सीढ़ी है वो भजन क्रिया की है, कि उसको साधु संग जब मिल जाता है उसको फिर दीक्षा प्राप्त होती है तो वो नियमों का पालन करता है कि संख्या पूर्वक इतना माला जप करना है और उठना है और ये पूजा करना है, तो ये सब जो है भजन क्रिया का जो है ये विधि है। तो ये जो है तीसरा है। फिर भजन क्रिया के बाद चौथा
जो कदम है, सीढ़ी है, वो है अनर्थ निवृत्ति। तो अपने अनर्थ दूर होंगे तो बहुत से अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब आते हैं, तो आपको महसूस होगा कि हाँ अब कम हो रहे हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति का चौथा धरातल। फिर पांचवा जो धरातल है वो है निष्ठा का। तो निष्ठा का मतलब है कि अनर्थ जब काफ़ी दूर हो जाते हैं, करीब 75% दूर हो जाते हैं, तो उसकी जो है भक्ति में निष्ठा पैदा हो जाती है, स्थिरता आ जाती है। निष्ठा के बाद फिर उसकी रुचि का धरातल आता है ना। तो पहला है श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति और पांचवा निष्ठा। अब छठवां है रुचि। अच्छा, तो रुचि का धरातल ये छठवां ये सीढ़ी है। तो इसमें उसकी जो है कथा सुनने में रुचि होती तो फिर अरुचि नहीं होती ना, कि बड़ी जल्दी अरुचि हो जाती है, लेकिन अरुचि नहीं होती तो रुचि के धरातल पर वो कोई भी आता है तो छठवां ये जो है सोपान। फिर सातवां सोपान है आसक्ति का। तो आसक्ति का मतलब है कि छोड़ना नहीं चाहता, तो वो और आगे की स्थिति है। तो सातवां सोपान आसक्ति का है। फिर आठवां सोपान भाव का है, कि वो भाव के धरातल पर आता है। तो भाव के धरातल पर उसको कभी शरीर में रोमांच होता है भगवान के गुणों को याद करके, और कभी कंपन होता है, कभी अश्रु बहते हैं, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो रोमांच कंपन अश्रु ये सब होते हैं, और अव्यर्थ कालत्वम भी होता है भाव के धरातल पर, कि समय को व्यर्थ ना गवाएं। तो कोई भी समय खाली हो तो नाम जप करो या कुछ करो, तो समय व्यर्थ ना जाए। तो ये भाव का धरातल आठवां है। और उसके ऊपर है प्रेम का धरातल। तो प्रेम के धरातल पर भगवान के साथ आमना सामना होता है, कि भगवान साक्षात बातें भी करते हैं, तो उसका जो है वो प्रेम का धरातल है। तो ये जो है क्रम से होता है। तो हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए कि भाई मेरे अंदर भगवान को का दर्शन करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही, तो ऐसी चीज़ नहीं है। अभी तो अनर्थ बहुत भरे हुए हैं, तो आप भजन क्रिया में लगे रहें, तो यही हम चाहते हैं कि भाई जन्म जन्म इस भजन में ही लगे रहें, है ना। साधु संघ के धरातल पर तो हम ये सोचते हैं जन्म जन्म हम इससे नीचे ना गिरें। तो कोशिश यही करना चाहिए कि आप जिस धरातल पर हैं भक्ति के, उससे नीचे ना गिरो, उसमें तो रहो कम से कम, यही बहुत बड़ा लाभ है, है ना। तो ये नहीं कि नहीं हम प्रेम के धरातल पर तुरंत आ जाएं, तो वो चीज़ नहीं है। तो एक शरीर तत्व है, एक मन है, आत्मा है, शरीर से ऊपर उठने में भक्ति सहायक है। देखिए जो भक्ति है, तो भक्ति की जो विधि है ये हमारी चेतना को शुद्ध करती है जी। और हमारी चेतना शुद्ध करती है, सबसे पहले हम नाम जप करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। जब हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हमें जो है जिज्ञासा होती है जानने की कि भगवद गीता का क्या विषय है, और संदेश क्या है भगवान का, और मेरे लिए क्या उद्देश्य, मुझे क्या करना चाहिए। तो इन चीज़ों में उस व्यक्ति के अंदर रुचि पैदा होती है। इसको कहते हैं चेतना की शुद्धि, है ना। तो इसी को कहते हैं कृष्ण चेतना कृष्ण भावना में संग, कि हम जो है भक्ति के ऐसे धरातल पर आ जाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की इच्छा करें। और हम जब इसी में रहते हैं तो सत्वगुण के धरातल पर आते हैं। तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो सत्वगुण के धरातल पर आते हैं तो सत्वगुण के धरातल में रजोगुण का जो काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीज़ें नहीं आती, है ना। और सत्वगुण में फिर यह है कि आगे हमें क्या करना है, आगे की जो दिशा है उस पर हम विचार करते हैं। और शरीर में कुछ बाधाएं अगर आती हैं तो हमें उतनी नहीं व्याप्त होती हैं जितनी कि रजोगुण में। रजोगुण में काम, क्रोध, सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है शरीर में जो कुछ कष्ट होता है तो ज़्यादा कष्ट महसूस होता है। इन सत्वगुण में अगर हम आते हैं तो शरीर में कुछ कष्ट होता है तो उसको हम ज़्यादा महत्व ना दे करके सहन करते हैं, तो सहन करने की शक्ति आती है। जैसे मैंने अभी विनोद बाबा जी हैं, उनका साक्षात्कार किया, पहला साक्षात्कार किया, तो उन्होंने ये बात बताई कि वो 13 घंटा लगातार एक आसन में बैठ के राधा नाम जपते हैं, जबकि डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, डायबिटीज़ है, घुटने में आर्थराइटिस है, पर वो कर रहे हैं। प्रेमानंद बाबा जी भी हैं जिनको कहा जाता है हर हफ्ते डायलिसिस होता है, पर इसके बावजूद वो लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, परिक्रमा करते हैं, तमाम चीज़ें। तो एक आम आदमी भक्ति शुरू कैसे करें? देखिए भक्ति जो है जो शुरू होती है वो नाम से शुरू होती है, कि आप नाम लीजिए।
और नाम भी जो है संख्या, कम से कम संख्या का आप जो है मतलब नियम बनाइए, नाम की संख्या का नियम बनाइए। क्योंकि ऐसे अगर आप कहें कि भैया हमेशा नाम लीजिए तो हमारा जो मन है वो तो शुद्ध है नहीं, तो वो जो है हमेशा नाम लेता नहीं। तो हमें अब संख्या से हमें बंधना पड़ता है कि नाम की संख्या आप एक माला रोज़ करो, आप दो माला रोज़ करो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी इच्छा नहीं है करने की, आपको भार लगता है लेकिन आप करते हैं। तो ऐसे नाम में इतनी शक्ति है, नाम इतनी शक्ति है कि बिना श्रद्धा के भी अगर आप नाम लेते हैं तो इससे फल प्राप्त होता है। अच्छा, जो दूसरे कार्य हैं यज्ञ का, दान का, तपस्या का, भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ न चातत प्रेत नो, है कि बिना श्रद्धा के अगर यज्ञ किया गया, दान किया गया, तपस्या की गई तो असत है, कोई ना तो इस जीवन में कुछ फल मिलता है ना अगले जीवन में फल मिलता है। लेकिन नाम में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के, सकृत विपरीगीतम श्रद्धया हे लियावा भगवन नरमात्रम तारे कृष्णा, तो कृष्ण का नाम जो है इतना शक्तिशाली है कि आपकी श्रद्धा हो या ना हो लेकिन ये आपको पवित्र करता है। तो इसलिए नाम का जो है सबसे ज़्यादा ये कलयुग में प्रभाव है। ये कहा भी गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम कलो नास्ते 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 गतिरंग, अन्यथा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। लोग इतने ज़्यादा पतित हैं, इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं और अशुद्ध हैं, इसलिए अशुद्ध अवस्था में भी आप नाम लीजिए, किसी भी अवस्था में आप नाम लीजिए, इसमें जो है कोई वो नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में ये बोलते हैं नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति, आपने अपने नाम दिए संपूर्ण शक्ति उनमें डाल दी, तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काला, और आपने नियम नहीं बनाया कि नाम के स्मरण करने का कोई समय मतलब निश्चित किया, ऐसा नहीं है। एतादृशी तव कृपा भगवन मापी, तो हे भगवान आपकी इतनी कृपा मेरे ऊपर है, दुर्देव लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मेरा आपके नाम में अनुराग नहीं है। तो अनुराग का मतलब यह है कि अनुराग ना भी हो लेकिन आप नाम लीजिए। लेकिन अगर हम दुर्भाग्य से नियम बनाते हैं कि नहीं मैं अशुद्ध हूँ इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, ये समय अशुद्ध है, ये स्थान अशुद्ध है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, तो इस तरह से लोग जो है कारण बनाते हैं, तो दुर्भाग्य। तो ये तो आपने भक्ति को भगवत गीता के हिसाब से नवधा भक्ति, नव चरण, तीन अवस्थाएं, सतोगुण रजोगुण, शास्त्रों में भक्ति के बारे में क्या कहा गया? देखिए कलयुग में अब हम तो देखिए कलयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग में जो भक्ति है वो नाम से ही शुरू होती है ना, और ये शास्त्रों में बताया गया है कि नाम की भक्ति से फिर आप जो है रूप की भक्ति में आएंगे, रूप की भक्ति से आप गुणों की भक्ति में आएंगे, गुणों की भक्ति से लीला की भक्ति में आएंगे, तो ये क्रम से शुद्धिकरण होता है। तो नाम से आप जब शुद्ध होते हैं तो आप रूप में आएंगे और फिर गुणों में, फिर नाम रूप गुण और लीला, इस तरह से आते हैं। आपने 22 खंडों में भगवत गीता को पद्य रूप में लिखा है? नहीं, पद्य रूप में नहीं लिखा, गद्य, तो हाँ गद्य रूप, गद्य रूप में लिखा है, सॉरी पद्य रूप में प्रभुपाद जी ने लिखा है, पद्य रूप में अलग से लिखा है लेकिन वैसे अंग्रेजी में लिखा उन्होंने जी, तो वो भी गद्य ही है। तो आपने जो ये लिखा है ये क्या है और ये इससे क्या क्यों लिखा? देखिए ये जो भगवत गीता है जो मैंने लिखा, तो पहले कोई लिखने का कोई कारण नहीं था, लेकिन हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी तो शुरू में ही वो जानते थे कि मेरे अंदर कुछ योग्यता है, लिखने की योग्यता है। तो भगवत दर्शन पत्रिका जो बम्बई से छपती हर महीना जी, तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं हिंदी में कुछ लिखूं ताकि भगवत दर्शन पत्रिका में छापा जाए। तो उन दोनों भगवत दर्शन पत्रिका में जितना भी हिंदी में छापा जाता था वो अंग्रेजी से ही लिया जाता था। अच्छा, हिंदी में अपना मौलिक कोई मतलब लेख होता ही नहीं था जी। तो मैंने श्री भगवान ने कहा नाम से गीता का एक श्लोक की व्याख्या मैंने भेज दी तो वो छप गई। तो इस तरह से लोगों ने जब पढ़ा तो काफ़ी मतलब प्रोत्साहन दिया मुझे कि बहुत अच्छा लिखा। तो फिर आगे चल करके BBT के एक भक्त थे तो उन्होंने कहा कि आप अगर पुस्तक के रूप में आप दें तो हम BBT में रखेंगे जी। तो फिर गीता का पहला अध्याय फिर हमने लिखा, फिर दूसरा अध्याय BBT क्या, भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, बुक ट्रस्ट जी, तो यहाँ जो बुक शॉप होती है ना जी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम रखेंगे। तो फिर मैंने एक एक श्लोक पर जो है
लिखा और ये रखी जा रही है। 22 खंडों में है वो, तो वो सरल भाषा में है, कोई भी उससे समझ सकता है। श्री भगवान ने कहा, प्रत्येक पुस्तक का नाम श्री भगवान ने कहा है जी। और प्रत्येक पुस्तक श्री भगवद गीता कथा रूप जी। तो प्रभुपाद ने भगवद गीता यथा रूप लिखा जी, और मैंने भगवद गीता कथा रूप लिखा। तो कथा रूप में प्रभुपाद के पास इतना समय नहीं था, तो वो कार्य जो है प्रभुपाद ने मुझसे करा लिया कि वो कथा के रूप में वो और ज़्यादा स्त्रियों को, बच्चों को भी समझ में आती है। वे जो कथा रूप में है इसकी काफ़ी जो है प्रशंसा हो रही है। अब ये आपकी एक किताब है श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। अब आजकल चमत्कार शब्द बड़ा भारी हो चुका है, आप भी देख रहे होंगे टीवी मीडिया में चमत्कार लोग कर रहे हैं, कोई तरह तरह के। अब ये क्या है, इसमें कौन कौन से चमत्कार हैं, क्योंकि मैं तो अभी पढ़ नहीं पाया हूँ। एक मदन मोहन जी का चमत्कार मैंने पढ़ा, जिसके बारे में कि आप यहाँ से कहीं जयपुर के पास दर्शन करने गए और वापस आना संभव नहीं था, लेकिन आप आ गए। तो और कौन कौन से चमत्कार हुए हैं आपके जीवन में जिसको चमत्कार कहा जाए? देखिए, श्रीमद् भागवत में ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जाने विवात्ने कृतं विपाकं हृद्वा वपुर्विदधन् नमस्ते जीवित यो मुक्ति प्रदेशदाय भाव। कि अगर कोई व्यक्ति आपकी कृपा हमेशा देखता है, अपने जीवन में आपकी कृपा देखता है, तो सुसमीक्ष मानो भुंजान, और अगर कुछ कृपा नहीं दिखाई देती, कुछ कष्ट मिलता है, तो अपना कर्म है। अगर कुछ जो है भगवान की कृपा हमें दिखाई पड़ती है कि कुछ मिला, कुछ सुविधा मिली, कुछ ऐसा हुआ, तो भगवान की कृपा देखना। तो ये भक्ति का एक बहुत बड़ा ये नियम है कि जो भक्त है वो किसी भी स्थिति में कोशिश करता है कि भगवान की कृपा, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की जी। जैसे सुदामा जी जब भगवान के पास गए, तो उनकी पत्नी ने भेजा था कि कुछ धन मिल जाए, लेकिन सुदामा जी तो धन नहीं चाहते, उनकी विरक्ति थी। लेकिन कृष्ण जब धन नहीं दिया, तो रास्ते में सोच रहे हैं कृष्ण ने कितनी कृपा की मेरे ऊपर कि उन्होंने धन नहीं दिया, कि ब्राह्मण जो है धन पा करके मुझे भूल जाएगा। और जब सुदामा जी अपने घर गए और जब देखा कि उनका तो घर ही नहीं है, वो तो जो है पूरा शहर बन गया और उनके जो है सब महल बने हैं और कितने जो है सैनिक हैं जो सुरक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको भगवान की कृपा देखा। तो देखिए, भगवान ने कुछ नहीं दिया तो वो सोच रहे भगवान ने कृपा की मेरे ऊपर। तो कृपा भगवान की कोशिश करता है वो देखने की हर स्थिति में, और वो कोशिश करता है अपने मतलब बुद्धि मन बुद्धि लगा करके कि भाई इस तरह से भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। तो ये कृपा देखना ये जो है भक्त का जो है ये गुण है। तो ऐसे 5 चमत्कार अगर मैं आपसे छोटे छोटे पूछूं तो क्या रहे? देखिए, इसमें क्या है कि चमत्कार भगवान के जो इसमें जो लिखे हुए हैं जी, तो इनको आप अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में वो सब बातें आती हैं। एक चमत्कार मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे कमरे में राधा कृष्ण की जो है मूर्ति हैं, जो कि परस्पर मिलित हैं जी, आलिंगन किए हुए हैं, और वो जो है बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं है ना। तो बैठे हुए हैं, तो पहले हमारे कमरे में एक झूला था, झूला लटक रहा था दीवार में, और उसमें जो है उनको जो है रखा गया था। अच्छा, अब मैं जो है कुछ भक्तों को महाभारती कथा सुना रहा था, तो उस महाभारती कथा में ये बात आई कि जो कौरवों ने पांडवों को कपट जुए में हरा करके वनवास दे दिया। अब वनवास दे दिया तो काम वन में वो 5 पांडव रहते हैं, बड़े कष्ट से रहते हैं, और उस समय दुर्योधन अपनी सेना लेकर के पांडवों को चढ़ाने के लिए आया, दिखाने के लिए कि देखो तुम लोग जो है कितने कष्ट भोग रहे हो और हम कितना सुखी हैं। तो इस प्रकार से जो दुर्योधन है अपनी जो है शान दिखा रहा था उनको चलाने के लिए। तो इंद्र ने जो है चित्ररथ नाम के गंधर्व को भेजा दुर्योधन को पकड़ने के लिए। दुर्योधन को पकड़ करके वो आकाश मार्ग में ले जा रहा था। उस समय दुर्योधन फिर चिल्लाने लगा युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को कि रक्षा करो, मेरी रक्षा करो जी। तो उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि रक्षा करो इसकी। भीमसेन ने कहा अब इसकी हम क्या रक्षा करें, इसने हमें इतने कष्ट पहुँचाए, तो हमें अब तो जो है
जो ये चित्रथ नाम का गंधर्व है, ये हमें बैठे बैठे ही इसने हमें सुख पहुंचाया है। हम बैठे हुए हैं, इसने सुख पहुंचाया, इसको ले जा रहा है। तो ये बात जो है, जब मैं पढ़ रहा था, अब देखिए अगर सोचे तो कितना इसमें आश्चर्य है कि राधा कृष्ण वहाँ बैठे हुए हैं जी, हमारे सामने दीवार में, और जो झूला में जो है वो बैठे हुए हैं, तो झूला थोड़ा टेढ़ा है, उस समय हमारे ये रुद्रमय प्रिया प्रभु हैं। अच्छा, अब ये बात आने वाली थी कि उसने हमें बैठे बैठे सुख पहुंचाया है, तो वो तो मुझे भी पता नहीं था कि ये बात आने वाली है, और किसी को पता नहीं था कि ये बात आने वाली है, लेकिन भगवान को पता था। तो भगवान ने इनको जो है ऐसी प्रेरणा दी कि इन्होंने झूले को सीधा किया, राधा कृष्ण बैठे हैं और झूले को सीधा किया, और उसी समय ये बात आई उसने हमें बैठे बैठे सुख पहुँचाया है। तो ये बड़ी हंसी आई, बड़ी हंसी आई, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ऐसी बातें सोच कर अभी भी मैं रोमांचित होता हूँ कि मतलब कितना, मतलब अभी सब जो है हम सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार की घटनाएं जो जो हम सोच भी नहीं सकते और ऐसी होती हैं, तो ये जो है कृपा है। मतलब ये मेरे लिए भी उत्साह का विषय है कि हम चमत्कार को इस तौर पर देख पा रहे हैं जी, क्योंकि अमूमन चमत्कार को दुख हरण माना जाता है, कोई दुख काट दे, लेकिन हम अगर उन्हें जीवन की इन घटनाओं में, और वो किसी भी मार्ग पर, आप भक्ति के मार्ग पर हैं, कोई कर्म के मार्ग पर है, कोई किसी मार्ग पर है, और इस तरह संयोग को हम देखें चमत्कार मानकर, तो ये बड़ा मेरे लिए रोचक है। नहीं, दोनों बातें हैं। अगर मान लीजिए कि हमें हमारा कुछ दुख दूर हो गया, तो ये भी हम कहते हैं कृष्ण की कृपा से हुआ है ना, और कोई जो है सुख सुविधा अगर मिल गई, इसको भी हम कृष्ण की कृपा मानते हैं। तो ये कृपा, और फिर अगर कभी कृपा नहीं दिखाई देती, अभी ऐसा दुख मिल रहा है, मुझे कृपा नहीं दिखाई दे रही, तो उसमें भगवान का फिर दोष ना देख करके अपना दोष देखना। तो एक मदन मोहन जी वाले चमत्कार के मैं पढ़ रहा था, वो क्या है? देखिए मदन मोहन जी के चमत्कार, इसको जो है बड़ा रहस्य है इसमें, और मैं भी बहुत दिनों के बाद ही समझ पाया। वास्तव में मदन मोहन जी ऐसे कई उनकी घटनाएं हैं कि वो चमत्कार कर चुके हैं इस तरह से। तो वास्तव में वो जो है करौली में रहते हैं, और ये सनातन गोस्वामी के अर्चा विग्रह थे। जब सनातन गोस्वामी थे तो उनके साथ बातें करते थे मदन मोहन जी। तो ये जो है बातें हमें बहुत प्रचलित हैं कि सनातन गोस्वामी के साथ ये मदन मोहन जी साक्षात बातें करते थे। तो हमने कभी उनका दर्शन किया नहीं था, और मैंने सोचा कि अगर संभव हो, उन दिनों मेरा नियम था कि ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में ही मंगल आरती करना है, तो कहीं भी अगर जाना है तो पहले से पूरी योजना, हाँ, योजना बना लेते थे कि मुझे वापस आना है, रात में वापस आना है कि मंगल आरती है कि हो, क्योंकि 40 साल से आप लगातार मंगल आरती में रहे। तो 2020 तक ऐसा नियम बना, अब तो ऐसा नियम है कि हम कहीं भी ट्रेन में भी मंगल आरती कर लेते हैं, किसी घर में या कहीं मंदिर में भी अब छोड़ के जाते हैं। 2020 तक ऐसा नियम था। तो उस समय जो है हमने सोचा कि अगर इनका दर्शन करके मैं वापस आ सकता हूँ, तो जो है अच्छा है कि इनके दर्शन हो जाएं। तो एक दिन नायक भक्त हैं, तो उनसे मैंने बात किया कि वो ज़्यादा यात्रा करते रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो 450 किलोमीटर है यहाँ से करौली। तो मैंने पूछा उनसे कि मैं करौली जा सकता हूँ, उसी दिन वापस आ सकता हूँ मदन मोहन दर्शन करके? तो उन्होंने मतलब ऐसे कहा कि हाँ, बड़े विश्वास कर रहे हैं, हाँ 250 किलोमीटर जयपुर है यहाँ से, और जयपुर के पास करौली है। अब मदन मोहन जी ने उनके दिमाग में ऐसा जो है मतलब विचार भर दिया कि उन्होंने इस तरह से बोल दिया, मदन मोहन जी बोल रहे थे जी, जबकि जयपुर से 180 किलोमीटर है। तो अब वो मुझे विश्वास हो गया कि भाई ऐसा बोल रहे हैं। अब जयपुर जब हम गए तो पूछा कि भाई करौली कहाँ है, तो अब 180 किलोमीटर था करौली वहाँ से, लेकिन हम जो है हमें किसी व्यक्ति ने बताया कि इस दिशा में जाओ 10 किलोमीटर। अरे 10 किलोमीटर बताया, अभी बड़ा आश्चर्य है ना, ठीक है 10 किलोमीटर मिल जाएगा, और सही दिशा बताई 10 किलोमीटर बताया। अब मदन मोहन जी उसके मुँह से बोल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर गए, अब करौली को कोई चिन्ह नहीं मिला। तो फिर पूछा किसी से करौली कितना दूर है, तो अब उस व्यक्ति ने भी जो है मतलब कैसे बोला, हाँ अब ये 10 किलोमीटर बोला जबकि 170 किलोमीटर दूर है, तो उसने बोला
नहीं, करौली यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। अरे मदन मोहन जी हमको जो है इस तरह से कर रहे हैं जी, भ्रमित कर रहे हैं कि मैं उनके दर्शन करूं, नहीं तो मैं लौट जाता, जयपुर में ही दर्शन करके लौट जाता। तो 30 किलोमीटर दूर है, इस प्रकार से हम गए 30 किलोमीटर। अब वहाँ करौली कोई चन्नी नहीं मिला, तो फिर किसी से पूछा। अब मदन मोहन जी उसके भी दिमाग में जो है बैठे हुए हैं, तो उसने कहा कि करौली यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर दूर है, तो हम कह रहे थे मदन मोहन जी कैसी लीला कर रहे हैं, चलो अब चलते हैं 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर दूर जब गए, करौली का कोई चन्नी नहीं मिला। अब पूछा करौली कहाँ है यहाँ, तो किसने करौली यहाँ थोड़ी है, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। तो अगले दिन आप कर पाए मंगला आरती? हाँ। अच्छा। हाँ, तो मदन मोहन जी जो है हमको दर्शन भी देना चाहते थे जी, और साथ साथ हमारे नियम की रक्षा भी करना चाहते थे। वाह। तो इस प्रकार से हम जो है जब गए वहाँ तो 3 बज गया था। हाँ। और फिर जब पता लगाया कि मदन मोहन जी दर्शन कब खुलेंगे, तो किसने कहा 7 बजे खुलेंगे। अब 7 बजे खुलेंगे तो 7:30 बजे चलेंगे, तो रात में हम आएंगे 9 घंटा लगेगा, तो 4 बजे 4:30 बजे पहुँचेंगे। तो हमने कहा चलो अब मदन मोहन जी रक्षा करेंगे नियम की, तो हो जाएगी। तो फिर हम पहुँच गए 1:30 बजे। अच्छा। रात में इतनी मतलब अंधेरा ना, और कई बाधाएं, फिर 1:30 बजे रात में आ गए। तो मदन मोहन जी जो है मतलब उन्होंने ही मतलब ऐसी स्कीम बनाई कि कई लोगों को जो है उन्होंने इस तरह से मतलब कर दिया, जैसे मोहित कर दिया कि वो मुझे जो है गलत सूचना दे रहे हैं। अब ब्रज से जुड़ा कोई चमत्कार, क्योंकि अब हम चमत्कारों में मेरी रुचि बढ़ रही है, क्योंकि अलग तरह के चमत्कार हैं, ये आस्था के चमत्कार हैं। यहाँ कुछ हल नहीं हो रहा है, यहाँ भगवान साक्षात आपको मार्ग दिखा रहे हैं, ब्रज का कोई चमत्कार? हाँ, तो ऐसा ना कि हम कई बार वृंदावन गए जी, तो बहुत सी लीलाएं हैं अभी जी, मैं उतना सब मेरे दिमाग में नहीं है जी, सब बातें जी। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ लीला, द्वारका मंदिर जो दिल्ली में है, द्वारका मंदिर, तो उस की जो है लीला है। तो उसमें उस लीला में हमने जो है जो भागवतम के श्लोक पर प्रवचन दिया था, तो उसमें ये बात आई थी कि ब्रह्मा जी ने जो है जब भगवान के जो बछड़े और बालक चुरा लिए, तो फिर भगवान ने जो है अपने जो है अपनी योग शक्ति से स्वयं को प्रकट कर लिया सब बछड़े और बालकों के रूप में, और ब्रह्मा जी फिर चमत्कृत हो गए जब देखते हैं कि मैंने जो चुराए हैं वो भी हैं अलग और यहाँ अलग हैं, कौन असली कौन नकली। और फिर जो है ब्रह्मा जी ने देखा तो पिछले बालक बिल्कुल नदारद, और भगवान अब इशारा कर रहे हैं कि तुम मेरे पिछले बालक वापस करो। तो ब्रह्मा जी ने पिछले बालक वापस किए और जो है भगवान से जो है क्षमा याचना की, तो बालकों को जो है ब्रह्मा जी ने वापस कर दिया, भगवान से क्षमा याचना की, और इस तरह से हमने क्लास समाप्त कर दिया। और जब हम क्लास समाप्त करके उठे, तो जैसे हम उठे तो तुरंत ही 200 बच्चे स्कूल के 200 बच्चे वहीं पर बैठे जहां पर हम क्लास कर रहे थे, उनका कुछ दूसरा ही प्रोग्राम था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और वहां रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं और उनके सामने ये बच्चे बैठे, तो ऐसा लगा कि कृष्ण के जो है बछड़े ब्रह्मा जी ने लौटा दिए, बालकों को लौटा दिया, तो 200 बच्चे जो है उसी समय बैठे। बहुत ही तो भक्ति पे लौटते हैं, क्योंकि चमत्कार तो बहुत हो सकते हैं, और जितना हम उसकी व्याख्या करते जाएंगे उतना लोगों को आनंद आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हर कोई चमत्कार अपने जीवन में चाहता ही है, इसी वजह से ज्योतिष, भाग्य, किस्मत, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। भक्ति और मुक्ति का क्या अंतर है? देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं जी, तो उसमें ये बताया गया है कि जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा नित्य है, और श्री कृष्ण भी नित्य हैं जी। और गीता में भगवान ये स्पष्ट बताते हैं कि कोई समय ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, ना कोई ऐसा समय होगा जब हम सब लोग नहीं रहेंगे। तो हम सब लोगों की जो नित्यता है वो व्यक्तिगत रूप से नित्यता है, हर मतलब कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है, ना कोई जीव भगवान से मिलता है, भगवान एक अलग व्यक्ति है और हम सब जीव अलग अलग व्यक्ति हैं, तो कभी मिलते नहीं हैं। लेकिन आजकल जो मायावाद का जो सिद्धांत चल रहा है, तो उसमें क्या मानते हैं कि हम भगवान से जो अलग दिखाई दे रहे हैं या हम समझते हैं, तो ये माया है। जब माया हट जाती है तो केवल एक
ही तत्व रह जाता है, जो कि मैं हूँ या जिसको भी कहें कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं। तो ये एक गलत सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, तो अहम ब्रह्मास्मि तो ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या गलत करते हैं वो। अहम ब्रह्मास्मि का तो मतलब वैदिक वाक्य है ये कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी शरीर नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक चेतन वस्तु हूँ। लेकिन वो अहम ब्रह्मास्मि का जो अर्थ निकालते हैं, वेद का महावाक्य मानते हैं, तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये मानते हैं कि मैं परम ब्रह्म हूँ। तो वो परम ब्रह्म जो भगवान है, तो उनके लिए परम ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, और ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग होता है भगवान के लिए, लेकिन जीव के लिए परम ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो वो जो है इसकी व्याख्या इस तरह से करते हैं, तो वो भगवान में मिल जाना, इसको जो है वो सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। तो इस तरह से उनका ये कहना है कि भाई आप भक्ति अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और भक्ति से जब आप शुद्ध होते हैं तो फिर आप जो है मतलब भगवान से एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तो इसको जो है वो सर्वोच्च मानते हैं। तो ये फिर भक्ति यहाँ से क्या है कि शुरू ही नहीं होती। अच्छा। जब आप इस प्रकार के सिद्धांत लेकर के चलते हैं कि मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ और आगे चल कर के मैं भगवान बन जाऊँगा, तो आपकी भक्ति शुरू ही नहीं होती। अद्वैत है, तो ये अद्वैतवाद, और आप द्वैत कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे जो है चार जो वैष्णव संप्रदाय हैं, चाहे मध्व संप्रदाय हो, निम्बार्क संप्रदाय, ये सब इसके विरोधी हैं, इस अद्वैतवाद के विरोधी हैं जी, है ना। तो इसमें क्या है कि जब हम नित्य हैं और भगवान नित्य हैं, तो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो क्या है, नित्य दास का संबंध है। हम कभी भी जो है भगवान नहीं बनते और ना भगवान के साथ एक होते हैं, हमारा नित्य संबंध। तो जब इस सिद्धांत को हम जो है अच्छी प्रकार से हृदयंगम कर लेते हैं, तब हम भक्ति शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस मायावाद का खंडन प्रभुपाद ने जगह जगह किया, अपने प्रवचनों में और अपने पुस्तकों में, अपने तात्पर्यों में, जो श्लोकों के तात्पर्य हैं, और हमारे भी प्रवचन जो होते हैं वो हमेशा इस चीज़ का खंडन करते हैं। अब इससे एक सवाल है, कृष्ण को लेकर इतने सारे संप्रदाय हैं, अभी दो तीन का नाम आपने ही लिया, और बहुत सारे सिद्धांत भी हैं, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, तमाम चीज़ें, तो एक तो ये मूल संप्रदाय कौन कौन से हैं और क्यों कृष्ण के इतने संप्रदाय हैं? देखिए, ये जो चार वैष्णव संप्रदाय हैं जी, तो इनमें चाहे अलग अलग सिद्धांत हों, लेकिन एक सिद्धांत वो निश्चित है कि हम उनके नित्य दास हैं, ठीक, वो हमारे स्वामी हैं जी। तो फिर कोई उसमें वो नहीं है, विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है जी, है ना। वो जो है चाहे वो हो द्वैताद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, या द्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, तो इनमें कोई भेद नहीं है, ये चारों वैष्णव संप्रदाय ये प्रमाण। अब आज कोई भक्त अगर वृंदावन जाता है, मथुरा जाता है, ब्रज जाता है, तो सात किस्म के मंदिर हैं, राधा रमण जी हैं, बाके बिहारी हैं, मदन मोहन जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं है? नहीं, देखिए हमारे जो है जो संप्रदाय के सात मंदिर हैं, वहाँ तो बहुत पाँच चार मंदिर हैं जी, पाँच चार मंदिर हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे संप्रदाय के अगर हमें हमारे पास सीमित समय है, तो फिर हम उन मंदिरों का ही दर्शन करते हैं कि वो हमारे आचार्यों के हैं, जो जिन्होंने स्थापना की, तो वो चीज़ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी नाम का प्रचार करते हैं। और विशेष जो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है, ये जो जिसमें कि इसकी एक शाखा इस्कॉन की जी, तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार ये जो है पूरी पृथ्वी में जो है ये हरि नाम का प्रचार कर रही है। इसमें प्रभुपाद के विषय में भक्ति विनोद ठाकुर, जो उनके गुरु के गुरु के गुरु थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक व्यक्ति जो है ऐसा आएगा जो कि पूरे विश्व की यात्रा करेगा और व्यक्तिगत रूप से लोगों को शिक्षा देगा और हरि नाम को फैलाएगा। तो वो प्रभुपाद जी हैं जो कि उन्होंने ये कार्य किया। अब ये कार्य जो है ऐसे नहीं होने वाला था, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी कि विदेश में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा शिक्षित होते हैं और फिर उनका विज्ञान में ज़्यादा विश्वास है और वे जो है हरि नाम को ऐसे अंधाधुंध स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद ने इसका जो है सबसे पहले भक्ति की नींव डाली अच्छी प्रकार से। भक्ति की नींव जो है वो भगवद गीता में भगवान ने जो बताया कि जीव आत्मा
शरीर से अलग है। जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है, शरीर बदलता है, जीवात्मा शरीर को बदलता है, जीवात्मा नहीं बदलता। तो बहुत विस्तार से भगवान ने बताया। तो प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में इस बात को हमेशा जोर दिया। इस बात को जोर देने से क्या है कि हम जब समझ लेते हैं कि ये हम जो जीवात्मा है ये शाश्वत हैं और पिछला जीवन भी था, अगला जीवन भी होगा, तो फिर हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जब आज के विज्ञान में, आज की शिक्षा में ये सिखाया जाता है कि ना पिछला जीवन था ना अगला जीवन रहेगा, तो फिर कृष्ण की भक्ति करो या कृष्ण की भक्ति ना करो, इस जीवन में आप खाओ पियो मौज उड़ाओ, यह है। तो इसलिए कृष्ण की भक्ति का जो नींव है, फाउंडेशन है, वो ये है कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं। इसको जो है हम ज़्यादा जोर देते हैं, हर व्यक्ति को जोर देते हैं, क्योंकि आज की शिक्षा बहुत ही अज्ञान में, बहुत बड़े अज्ञान में, अगले जीवन को नहीं मानते। और आप जो है अगले जीवन में फिर आपको मिलेगा तो आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा, तो आपकी बड़ी मतलब इसमें खतरा है कि आपकी कैसी दुर्गति हो जाएगी ना। तो इसको जो है हम लोग मतलब कठोरता से विरोध करते हैं इस अज्ञान का। तो प्रभुपाद ने इस आधार पर, भगवद्गीता के आधार पर जो है ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिया। और ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो तो आपको और समझ में आएगा ये चीज़ें, आपकी चेतना शुद्ध होगी। और इस हरे कृष्ण मंत्र के जाप से उनका नशा भी दूर हुआ। तो ये प्रत्यक्ष जो परिणाम है वो हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में प्रभुपाद ने दिखाया किस प्रकार से जो है पूरी दुनिया में। हाँ, जैसे अमेरिका में इसी नाम जाप से लोगों ने नशा छोड़ दिया, तो क्या भक्ति में ये संभव है? मतलब इससे संभव है कि आप आसक्ति छोड़ दें? देखिए, नाम के 10 अपराध होते हैं, नाम के 10 अपराध होते हैं। तो हम अगर अपराधों से बच कर के नाम लेते हैं तो फिर नाम की शक्ति काम करती है। नाम की शक्ति जो है वो अग्नि की तरह है कि आग जो है सूखे ईंधन को तो जला सकती है, लेकिन आप पानी डालेंगे तो फिर आग की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, है ना, जलाने की शक्ति नहीं रहेगी। इसी प्रकार से अपराध पानी की तरह है और जो भगवान का नाम है वो आग की तरह है। तो अगर आप अपराध रहे तो आप नाम बोलते हैं तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 10 अपराध कौन से हैं बता रहा हूँ। तो वो जो नाम का जो है, नाम की शक्ति कार्य करेगी है, लेकिन अगर अपराध करते हैं तो वो जो है आप पानी डाल रहे हैं। तो इस तरह से भारत में भी लोग जो है कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है अपराध भी करते हैं। इसलिए नाम के जो 10 अपराध हैं वो हमारे लिए जो है विशेष रूप से हमें जो है सचेत रहना होता है। तो हम लोग रोज़ बोलते हैं नाम के 10 अपराध, है ना। तो पहला नाम का अपराध है, उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने भगवान नाम के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, कि नाम का पहला अपराध है। तो इस तरह से हम जो है बड़े जो है सचेत होकर के इन अपराधों से बचें और नाम प्रभु से भी प्रार्थना करें कि मुझे अपने अपराधों से बचाइए। तो नाम प्रभु ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो अपराध जो है नाम प्रभु लेंगे, तो फिर नाम का जो है हमें फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये है। लेकिन अगर नाम का अपराध भी हो रहा है तो भी हम कहते हैं कि नाम करो, क्योंकि कोई दूसरा उपाय है नहीं। लेकिन उसमें फिर क्या है कि बहुत नाम करना है, लगातार नाम करना है, तो आपको अपराध भी दूर होंगे। तो नाम की विधि जो है हम हमेशा ये छोड़ नहीं सकते, आप चाहे जैसे भी हो। आप इस्कॉन से पिछले 45 साल से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन कितना बदला? इस्कॉन कितना बदला? बदला बदला देखिए, ये चैतन महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है तो ये 10,000 साल तक ये जो है ये फैलेगा, ये जो आंदोलन है ये 10,000 साल तक फैलेगा और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस्कॉन 10,000 साल तक रहेगा? हाँ, तो मतलब ये फैलेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ विस्तार पाएगा, ठीक है ना, विचार करेगा। और जब फैल जाएगा, पूरी दुनिया फैल जाएगा, तो उसमें बोलता नहीं है कि भाई नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं, नहीं रहेगा। 10,000 साल फैले तो ये बहुत तेज़ी फैल रहा है जी, और शहरों में फैल रहा है और यूथ प्रीचिंग के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं वो भी जुड़ रहे हैं, और गुरुकुल बच्चों को जो है गुरुकुल भी बन रहे हैं, तो बच्चे गुरुकुल में भर्ती हो रहे हैं। तो बचपन की अवस्था में और जवानी की अवस्था में जो प्रचार कार्य है वो सफल होता है। तो हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों
में जितना संभावना है करते हैं प्रचार और जवानों में प्रचार। तो इस्कॉन अभी शैशव काल में है, अगर हम 10,000 साल का भी ले मानक, तो कहाँ खड़ा है इस्कॉन आज? हाँ तो नहीं, शैशव काल में भी अगर हम मान लें तो भी हम अपनी दृष्टि से देखें कितना हो गया जी। तो बहुत बड़ा मतलब ये बहुत तेजी से फैल रहा है, इस बात को हमें समझना है। अगर फैलता रहेगा वो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कितने शहर हैं, 750 केंद्र बन गए हमारे इस्कॉन के, तो लोग जो है स्वीकार कर रहे हैं। तो एक आम व्यक्ति के लिए इस्कॉन समझाइए कि कोई जुड़ता कैसे है, साधु कैसे बनता है, स्वामी कैसे बनता है, दीक्षा कैसे होती है, क्या क्रम होता है? देखिए, प्रभुपाद ने जो है जब इसको फैलाया था तो केवल उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संदेश उन्होंने यथारूप दे दिया और लोगों का जो है जीवन शुद्ध हुआ, लोग लाभान्वित हुए। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा कोई गुण नहीं है, केवल यही गुण है कि मैंने चैतन्य महाप्रभु संदेश को बदला नहीं, मैंने यथारूप में दे दिया और कुछ नहीं मेरा। तो हमारे जो गुरु परंपरा से जो हमें संदेश प्राप्त हो रहा है, प्रभुपाद का संदेश है, प्रभुपाद का संदेश इस तरह से हमें हम सुनते हैं और उसी को हम बोलते हैं, दोहराते हैं, तो बस इतना ही है। और पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम है ये बहुत शक्तिशाली है। तो प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण का और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जब से किताबों की छपाई की टेक्नोलॉजी आई तभी से भक्ति विनोद ठाकुर हमारे उस समय आचार्य थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संबंध में एक किताब लिखी अंग्रेजी में और विश्व की जितने भी यूनिवर्सिटी थी उनकी लाइब्रेरी में भेजी। तो हमारे आचार्य बड़े जागरूक रहे इस संबंध में कि कोई भी टेक्नोलॉजी जिसको कि भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है तो उसको जो है तुरंत लगाएं, प्रचार के कार्य में लगाएं। तो पुस्तकों का वितरण है वो इस प्रकार से हो रहा है। और फिर अब और भी बहुत से जो कार्यक्रम चल रहे हैं तो वो पढ़ाई लिखाई, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, तो क्लास का माहौल पैदा करना है ना, और कोर्स भी मतलब तैयार करना, तो इसमें भी कार्य हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत के भी जो है मतलब बहुत से जो पाठ्यक्रम हैं वो बन रहे हैं, और दूसरे भी जो ग्रंथ हैं भक्ति रसामृत सिंधु उसके पाठ्यक्रम बन रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव और भक्ति सिद्धांत इस तरह से जो है उपाधियाँ दी जा रही हैं, और इनसे जो है लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है कि भी पढ़ाई लिखाई करें। तो अब आपके जीवन में क्या पाना बाकी रह गया? मेरे जीवन में देखिए, मेरे जीवन में अब वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि निश्चित हो चुका है मेरे लिए कि मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी मुझे अभी एक चिंता हो रही है कि मैंने अपना जो जन्म स्थान महोबा छोड़ा, वहाँ पर बड़ा अज्ञान है, तो वहाँ पर सेंटर बने, वहाँ पर लोग जो है भक्त बने। अब किसी को जो है मैंने भक्त बनाया है, वो कोई मुझसे जुड़े हुए हैं, वो गृहस्थ हैं और उनकी बहुत इच्छा है कि महोबा में सेंटर बने और भक्ति का जो है जो माहौल है वो फैले, तो उनकी इच्छा से भी मेरी इच्छा हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर केंद्र बने, और साथ साथ महोबा में भगवान कृष्ण और बलराम का जो अवतार हुआ इसको कोई नहीं जानता, भविष्य पुराण में जो लिखा हुआ है कोई विस्तृत जीवन चरित्र उनका मैंने लिखा है, महोबा में कृष्ण अवतार, तो उनका जन्म स्थान जो है वो अभी वहाँ पर खाली पड़ा हुआ है और महोबा की जनता भी नहीं इसको जानती। उनका जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान महोबा में जन्म स्थान है उनका। किनका? जो कृष्ण बलराम ने अवतार लिया था, अवतार का। अच्छा, अवतार का जन्म स्थान है। तो जैसे मथुरा में जन्म स्थान बना है, उसी प्रकार से मेरी इच्छा है कि बहुत बड़ा जन्म स्थान वहाँ भी बने और महोबा का जो है जो महत्व है वो सब पूरी दुनिया को जान पता चले। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि आपकी इच्छा पूरी हो। आपने हमें वक्त दिया, बहुत हम आभारी हैं प्रभु जी, क्योंकि भक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है, और आज के समय में जब हम और ज़्यादा जटिल जिंदगी में घुसते जा रहे हैं तो सरल नाम जाप से भक्ति की शुरुआत की जा सकती है। बाकी इस साक्षात्कार को देखकर आप और समझ गए होंगे कि उसके चरण क्या होते हैं और धीरे धीरे आप एक उच्च अवस्था में कैसे पहुंचते हैं।
उम्मीद है कि इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि गुरुजी का फिर से वक्त लेकर आपको उनके जवाब दे पाएं। धन्यवाद।